अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ के मवाना तहसील में मोबिल ऑयल की दुकान में लगी भीषण आग में दुकान मालिक का बेटा व दो नौकरों की बुरी तरह से जलने के कारण मौत हो गई, जबकि दुकान मालिक का दूसरा बेटा भी गंभीर रूप से झुलस गया है। जिस वक्त यह भीषण अग्निकांड हुआ तब बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में संचालित कौशल कोचिंग सेंटर में बच्चे स्टडी कर रहे थे। उन्हें किसी तरह सीढ़ी लगाकर बचाया गया, बावजूद इसके करीब 4 छात्र भी झुलस गए हैं। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं firstbite.tv। ममाना के सुभाष चौक पर यह भीषण अग्निकांड सोमवार की सुबह हुआ। यह सतीश कुमार की AS ऑयल कंपनी नाम से मोबिल ऑयल की दुकान है। आग के शुरुआती कारणों का तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन आग की भयावहता इतनी अधिक थी कि देखते ही देखते दुकान को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन वह वहां आकर राहत कार्य शुरू कर पाती तब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। मृतकों में सतीश कुमार का बेटा राजा, रोहित उपकल्लू व शादाब बताए गए हैं। रोहित व शादाब वहां काम करते थे, जबकि सतीश का दूसरा बेटा निशांत भी बुरी तरह से झुलस गया है। इस अग्निकांड में मनीत द्वारा संचालित कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे 4 छात्र भी झुलस गए हैं। समय रहते यदि इस कोचिंग सेंटर के बच्चों को निकाला जाता तो निश्चित रूप से एक बेहद बड़ा हादसा होता। सूचना पाकर राज्य मंत्री दिनेश खटीक, जिलाधिकारी के बालाजी, SSP प्रभाकर चौधरी आदि पहुंच गए। DM के बालाजी ने firstbite.tv को यह जानकारी दी। आज सुबह मवाना से ये सूचना मिला कि मवाना कस्बे में जो बाजार में एक लुब्रिकेट का एक दुकान में आग लग गई थी, और हम लोगों ने काफ़ी फायर टेंडर की गाड़ियों को पहुंचवाए थे, फोम टेंडर की गाड़ियों को भी पहुंचवाए थे, और काफ़ी प्रयास के बाद आग को कंट्रोल कर दिए, मगर हम 3 व्यक्तियों का इसमें मृत्यु होने का सूचना है। उसमें हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और 4 लोग चोटिल होने का भी सूचना है, उनके इलाज के लिए हम लोग अभी व्यवस्था कर ही रहे हैं। और किन कारणों से ये हुई है इसको गहराई से जांच किया जाएगा, और फिलहाल हमारा ध्यान है बचाव और जो चोटिल हुए हैं इनको अच्छा समुचित इलाज मिले, उसी पर केंद्रित है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार।